हरि हरि ओम। मैं शांत स्वरूप आत्मा में परितृप्त हो रहा हूं। मेरा चित्त मुझ में मस्त हो रहा है। ओम का अर्थ है आत्मा, वो मैं आत्मा हूं। अपनी सत्ता से ही अपना नाम ले रहा हूं। तस्य वाचक प्रणव। पतंजलि महाराज कहते हैं कि उस पर ब्रह्म परमात्मा का प्रथम नाम, उसका वाचक जो है प्रणव ओमकार है। जैसे स्त्रियां अपना मुंह आईने में साफ देख लेती है, ऐसे ही संत लोग ओम का उच्चारण करते ही अपने आप को देख लेते हैं कि मैं ओम स्वरूप आत्मा हूं। मैं आदि अनादि चैतन्य स्वरूप जो देव है, वही मेरा आत्मा है। मैं उसी में आराम पा रहा हूं। मन ऐसा अनुभव करने लग जाए, हमारी बुद्धि उसी परमात्मा में स्थिर होने लग जाए जिस परमात्मा की सत्ता से बुद्धि निर्णय करती है। हे मेरी बुद्धि, अब तो उसमें ही आराम पा ले। मैं शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर हो रहा हूँ। इस प्रकार का जो बार बार संकल्प करता है, वो आत्मा में स्थिर होने लगता है। दुख चिंताएं तब तक सताती है जब तक हम अनात्मा में स्थिर होते हैं। जब हम आत्मा में स्थिर होने लगे तो दुख चिंताएं और शोक पलायन होने लगते हैं। आप अपने आप को, अपने आत्मदेव को खूब प्यार करिए। तुम्हारे हृदय में खूब प्रेम भर दीजिए। जैसे गोपियां और ग्वाल बंसीधर की बंसी के नाद में अपने चित्त को पिरो देते थे, जैसे सागर चांद की चांदनी में अपने को पिरो देता है और छलकने लग जाता है, ऐसे ही चांदों का चांद जो तुम्हारा आत्मदेव है, जो परमात्मा है, उसी में अपने चित्त को मस्त होने दीजिए। कर्कटी राक्षसी हिमालय के शांत शिखर में जा स्थित हुई और उसने वरदान पाने के लिए ध्यान करना शुरू किया। पाना तो कुछ संसारी पदार्थ था, पाना तो सरकने वाली चीज था, लेकिन ध्यान करते करते शाश्वत शांति में डूबती गई और सतपद को प्राप्त हुई। वही कर्कटी राक्षसी मंगला और हिंगला देवी के नाम से अभी पूजी जाती है। उस अंतर्यामी परमात्मा का ध्यान करने वाली कर्कटी राक्षसी मंगला और हिंगला देवी के नाम से पूजी जा सकती है, तो ये मानवी अंतर्यामी आत्मा में स्थिर हो जाए
तो ये मानवी महेश्वर होकर पूजा जाए इसमें क्या आश्चर्य है। सब घट मेरा साईया खाली घटना कोई, बलिहारी वो घट की जा घट प्रगट होई। जो उस परमात्मा का चिंतन करते करते अपने को डुबाता जाता है, शांत होता जाता है, वो उस परमात्मा पद में विश्रांति को पाता है। ओम 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 मानसिक जप शांति से और प्रेम से करते जाएं। वैखरी का जप वाचा से होता है, मानसिक जप मध्यमा हृदय से उठती है, पश्यन्ति नाभि से उठती है और परा मूल से उठती है। वैखरी के बाद हम मध्यमा में जाएं और हृदय को खूब प्रसन्न खूब प्यार से भर दें। साबर का सुहावना किनारा है, सावन का महीना है, सब महीनों का सरताज, और परमात्मा का सब प्यारे नामों से भी महाप्यारा सारगर्भित प्रणव है। इस प्रणव के अर्थ में, प्रणव की शांति में, प्रणव की मस्ती में तुम्हारे चित्त को मस्त हो जाने दो। हजारों कथाओं सुनने से भी ज्यादा लाभ है। सब सत्संग और कथाओं का सार यही है कि तुम अपने यार में मस्त हो जाओ। नाना प्रकार के इतिहास और पुराणों की गाथाओं में से यही क्रीम हमें पाना है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वपना। कई जन्मों का जन्म मृत्यु का कष्ट सहने के बाद
सब जन्मों का फल स्वरूप समझो, सारे कष्टों का परिणाम समझो, ईश्वर की कृपा समझो, तुम्हारे भाग्य की लॉटरी समझो, सबका सार मनुष्य जन्म। मनुष्य जन्म का सार कथा कीर्तन, कथा कीर्तन का सार सत्संग, और सत्संग का सार सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति। आज तुम सत्य स्वरूप आत्मा में विश्रांति को उपलब्ध होने के लिए डूबते जाओ। सारे सारों का सार वो सब यारों का यार है। कर यारी उस यार से जो सब यारों का यार है, जो सबका सूत्रधार है, जो हर पुतली नाच नचा रहा है, जो ऋषियों के आयनों में प्रकाशित हो रहा है, जो तुम्हारे दिल के धबकारों को देख रहा है, जो तुम्हारी रक्तवाहिनियों में अपनी चेतना का फोर्स दे रहा है, जो तुम्हारे बाल बढ़ाने की प्रक्रिया का आधार है, जो तुम्हारा भोजन पकाने का परम ओज स्टेशन है, जो तुम्हारी बुद्धि के निर्णय को देखने वाला दृष्टा परमात्मा है, जो तुम्हारे दिल में बैठकर वो दिल भर तुम्हारी अनुकूल परिस्थितियों में तुम्हें हर्ष का स्वाद दिला देता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में तुम्हारे चित्त के शोक को भी देखता है, हर्ष को भी देखता है, उस देखने वाले दिलबर में तुम्हारे मन को शांत होने दो। फिर काम की क्या मजाल है, क्रोध की क्या मजाल है, लोभ और मोह की क्या मजाल है, चिंता की क्या मजाल है कि तुम्हारे चित्त को चलित करे। तुम अपने चित्त को खूब प्यार से भरते जाओ, आनंद से भरते जाओ, क्योंकि वो परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप परमात्मा को मिलने के लिए जा रहे हो तो तुम चिंतित होकर मत जाना, चिंता के चित्रे उतार देना। तुम शोकातुर होकर नहीं जाना, तुम निराशा का नकारा लेकर मत जाना, तुम तो परम प्रेम और आशा की किरणों के साथ अपने यार के करीब जाना। सम्राट से मिलने जाते हैं लोग तो वस्त्र सुंदर पहन के जाते हैं, सुसज्जित होकर जाते हैं। ये सम्राटों का सम्राट जो अंतर्यामी परमात्मा है, उससे मिलने जाना हो तो वासनाओं के गंदे वस्त्रों को फेंक दो, अहंकार के चित्रों को दूर फेंक दो, मेरे तेरे की कल्पना से जो तुम्हारा मुंह गंदा हो रहा है उसको प्रभु के प्रेम से प्रक्षालन करते हुए पवित्र होते होते तुम्हारे चितड़े को चितचोर के करीब ले जाने दो। वाह वाह, हजार हजार उसकी मेहरबानियां हैं, लाख लाख उसकी करुणाएं हैं। हे मेरे अंतर्यामी प्रभु, तेरी लाख लाख मेहरबानियां हैं, करोड़ करोड़ करुणाएं हैं मेरे नाथ।
अब मैं तेरे करीब हो रहा हूं, मैं तेरे करीब एक कदम ही चल पाऊं तो काफी है, लेकिन तू 999 कदम चल देगा। मैं तेरे करीब आने का विचार करने मात्र से तू तुरंत ही अपनी कृपा से मेरे चित्त को अपनी ओर खींचता है। हे मेरे अंतर्यामी, हे योगियों की आत्मा, हे भक्तों के भगवान, जैसे उदालक राजकुमार में से उदालक ऋषि बन गया, एकांत देश में अपने चित्त को तुझी चैतन्य में स्थिर करने लगा, ऐसे ही सावन के उच्च महीने में, जैसे प्रकृति सावन के महीने में सुसज्जित हो जाती है, नव पल्लवधारी हो जाती है, सौंदर्य से सज झज कर मानो आकाश से अपना ओज और सौंदर्य की स्पर्धा करने को जा रही है, वहां आकाश की रिमझिम बरसती है, प्रकृति अपनी प्रसन्नता के हर्षित आंसू बहाती है, और यहां अपनी सौंदर्यता, पृथ्वी अपनी सौंदर्यता का संदेश देती है। ऐसे ही तुम्हारा चित्त सद्गुणों की सौंदर्य का संदेश देता रहे, परमात्मा के नाम की सुंदर छड़ी होती रहे चित्त में, मानो बाहर आकाश और पृथ्वी सावन की खबर दे रहे हैं, तो भीतर तुम्हारा चित्त परमात्मा मस्ती के सुशृंगार करके सावन की खबरें दे रहा है। शांत वातावरण में तुम्हारा चित्त परमात्मा की शांति में डूब रहा है। लिखी 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 जग लिखो, पढ़ी 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 क्या की, तुलसी हृदय रघुवीर नचीना बिरथा जन्म दी। खूब लिखाई पढ़ाई हुई, खूब सुना, बहुत सुना, कई कथाएं और वार्ताएं सुनी, श्रोत पवित्र हुए, कई मंत्र और श्लोक सुने, कई पुराणों की कथाएं सुनी, अब तो जिस परमात्मा से सुना जाता है उसी से मिलने जा रहे हैं, जिस से वाणी उठती है उसी में अपनी वृत्ति को स्थिर करने को जा रहे हैं। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे सत्य का गीत सुना दे कोई। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहां, जहां शुद्ध सात्विक आत्म प्रेम का संगीत सुनाई पड़े, जहां आपका चित्त परमात्म शांति का अनुभव करने लगे, वैसी गहरी शांति में तुम्हारे चित्त को डूबने दो। अगर चित्त तुम्हारा परमात्मा की शांति में डूबने से आनाकानी करता हो, तुम्हारा मन यदि बाहर भागता हो,
तो उसे एक शमशान यात्रा करा दो। तुम्हारे मणिराम को शमशान यात्रा का अनुभव करा दो। कल्पना करो आखिरी बारात तुम्हारी निकलने को है। तुम बैठे हो कुर्सी पर, एकाएक तुम्हारा सिर दर्द हो गया, बाम लगाया, गोली खाया, जो इलाज किया त्यों मर्ज बढ़ता गया। आप छटपटा रहे हैं, हरि ओम ओम करके आप अपने श्वास आखिरी गिन रहे हैं। तुम ढल पड़े हो, कुटुंबी एकत्रित हो गए हैं, रिश्तेदार अपना रिश्ता याद करके, कोई तुम्हें बाप के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें भाई के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें काका के नाम से बुला रहा है, कोई तुम्हें मित्र के उलाहने नाम से बुला रहा है कि भाई शू थयो यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि कल अपने फलानी जगह जाएंगे, एक घंटा पहले तो तुम ठीक थे यार, क्या हुआ, उठो उठो उठो, लेकिन तुम उठने से गए। तुम्हारा ये आज तक का संभाला हुआ जो देह है, उस देह से प्राण पखेड़ो उड़ गया, तुम्हारा शरीर ढल पड़ा है जमीन पर, कुर्सी पर, सोफा पर। कुटुंबी रिश्तेदार चिल्लाते हैं, आखिर चिल्लाने से क्या चलेगा, ये तुम्हारा देह, आज तक जिसको मैं मानते थे वे कपड़े तुमने छोड़ दिए, आज तक जिन वस्त्रों को तुम मैं मानते थे ये वस्त्र तुमने उतार दिए। अब इस शरीर को नहलाने के लिए, अर्थी पे सजाने के लिए तैयारियां की जा रही है। तुम्हारे शरीर पर चादर डाल देते हैं और कुटुंबी अपना, जैसा जिसका संबंध और जैसा जिसका मोह, जितना मोह उतना वे रुदन कर रहे हैं। तुम्हारे शरीर को नहलाने की तैयारियां कर रहे हैं। बांस लाने वाले व्यक्ति बांस लेने गए हैं तुम्हारा आखिरी पलंग सजाने के लिए, तुम्हारे लिए आखिरी खटिया बनाने के लिए। कोई बाजार में हरे बांस लेने गया है, कोई नारियल लेने गया है, कोई पूड़ा और सामान लेने गया है, तो कोई तार और टेलीग्राम करने गया है, कोई टेलीफोन पर जा बैठा है, रिंग घुमाए जा रहा है कि फलाना भाई चल दिया। तुम्हारे मन को महसूस कराओ कि अंतिम एक घड़ी ऐसी आने वाली है। हे मणिराम, जिस संसार के लिए तू भागा दौड़ी करता है और जिस शरीर के लिए तू इतना जिस शरीर के लिए तू इतना व्यामोह में फंस रहा है, वह शरीर ढल पड़ा है। अब उसे यार, साथी, मित्र कमरे में ले जा रहे हैं। इस शरीर को नहलाते हैं लेकिन गर्दन टेढ़ी हो गई है, हाथ हिल नहीं सकते, पैर पसार नहीं सकते। आज तक जिसको मैं मानते थे उस खिलौने के हाल देख लो जरा। आज सुधी जिने हूं मानता था तेरा मकड़ा ना दर्शन करो तुम्हें, उस खिलौने के तुम मानसिक दर्शन करो। मणिराम को बताओ कि आखिर ये हाल होने वाले हैं, जिसको तू मैं मान रहा है उसके ये हाल होने वाले हैं। आंखों के पोपचे थोड़े से खुले रह गए हैं,
अब ये प्यारी प्यारी आंखें डरावनी लगती है, बीभीत से लगती है, बेहोदी लग रही है। ये प्यारे प्यारे होठ जो मुस्कान करते थे वो अब मानो कि जगत की स्थिति को देखकर हंस रहे हैं, अपनी जीवन यात्रा पर हंस रहे हैं अथवा पश्चाताप कर रहे हैं। ये गर्दन मुरझा गई है मानो इस संसार की असारता को याद करके मुरझाती जा रही है। मित्र तुम्हारे शरीर को नहला रहे हैं, मित्र तुम्हारे शरीर को मुर्दे शरीर को नहलाए उसके पहले तुम अपने को ब्रह्म ज्ञान से नहला देना। कुटुंबी और परिचित लोग तुम्हारे शरीर को पानी से नहलाए उसके पहले तुम ब्रह्म विद्या से नहा लेना। यार और साथी तुम्हारे शरीर को नहलाए उसके पहले ही तुम हरि के ज्ञान से नहा लेना, राम नाम के ज्ञान से ना लेना, परमात्मा के ज्ञान से ना लेना, तुम परम पवित्र हो जाना। ये तुम्हारा शरीर नहा रहा है तीर्थों के जल से, शरीर तीर्थ के जल से और नल के जल से, नदियों के जल से नहा रहा है, लेकिन तुम तो नारायण के जल से ना लेना, तुम तो परमात्मा के जल से नहा लेना। तुम नारायण में डूबते जाना, शरीर चाहे हजारों तीर्थों में नहा ले, लेकिन जो तीर्थों को तीर्थत्व देने वाला है हरि का नाम, हरि तत्व का ज्ञान। ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण, ओम नारायण, ओम श्री नारायणाय नमः। ओम हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। तुम्हारे शरीर को नहलाया जा रहा है। अब शरीर की डरावनी स्थिति है। कोई तुम्हें मां कह रहा था, कोई तुम्हें देरानी कह रहा था, कोई तुम्हें भाभी कहता था, कोई तुम्हें दादी कहता था। जिसको दादी कहते थे, भाभी कहते थे, माँ कहते थे, काकी कहते थे, वो काकी अब आंख उठा के देखने के काबिल नहीं रही। काकी अब होठ फैलाकर मुस्कुराने के काबिल नहीं रही। काकी अब दांत हिलाकर बात करने के काबिल नहीं रही। काकी अब पैर चलाकर तुम्हारे करीब आने के काबिल नहीं रही। जो तुम्हें जो कहते थे, कोई काकी कहता है तो कोई माँ कहता है, कोई मौसी कहता है। तुम्हारा शरीर तो एक था, लेकिन संसार के कल्पित संबंध अनेक थे। वो अनेक संबंध एक झटके में खत्म हो रहे हैं। किसी की काकी मर गई तो किसी की मौसी मर गई है, किसी की माँ मर गई है तो किसी की बहन मरी है, किसी की पड़ोसन मरी है तो किसी की सखी सहेली मरी है। ये कल्पनाएं लोगों की मर रही है और लोग कल्पित धूम मचा रहे हैं।